माई डियर स्टूडेंट, माई नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास 8th के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको ग्रामर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और ग्रामर में भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक पॉइंट से उसको स्टार्ट अप लेंगे कि ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ग्रामर जो होती है वो बेसिकली शुरू होती है सेंटेंस से। सेंटेंस उसका बेसिक पॉइंट होता है जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस वैसे कितने प्रकार के होते हैं और नॉर्मली सेंटेंस जो हमारे यूसेज में आते हैं वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस, अब मैं इसके आगे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं और इसको क्वेश्चन वर्ड के साथ में जोड़ देता हूं और सेंटेंस बना देता हूं। What is a sentence? Sentence क्या होता है? तो आप भी दिमाग लगाइए कि sentence क्या होता है। Sentence की जो definition है वो है a group of the words which gives a perfect sense called sentence. A group of words, words मतलब शब्द, शब्द का एक समूह जो एक perfect meaning देता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर है? उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप कैसे? जैसे लता इज राइटिंग अ लेटर, इसमें लता सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसमें मेन वर्ब है और ये इसमें आर्टिकल है और ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इनका ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से मैंने इनको डिफरेंशिएट किया, और इनको आगे हम विस्तृत में जब ग्रामर पढ़ेंगे वी विल डेफिनेटली लर्न इन डिटेल। राइट नाउ जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग वॉट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ परफेक्ट सेंस। ऐसा नहीं है, अब इन सेंटेंसेस को मान लो, इन सेंटेंसेस को मान लो मैं इनका अरेंजमेंट बिगाड़ देता हूँ और लिख देता हूँ लेटर राइटिंग इज और फिर लिख दूँ लता, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो वाक्य हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव, जिसको कहा जाता है हिंदी में सकारात्मक, नकारात्मक, जिसको कहा जाता है नेगेटिव, और प्रश्नवाचक जिसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव, एक होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज हम इस वीडियो में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को ये एक्चुअली में प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये बाद में पढ़ेंगे,
पर फिलहाल मैं बता देता हूँ, इज एम आर इसमें लगेगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इज एम आर के बाद में नॉट लगा देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा, लता इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस क्या बना? ये सेंटेंस बन गया नकारात्मक। वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में चार प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, पर फिलहाल हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट असर्टिव सेंटेंस, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी को डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारी जो कॉमन इंग्लिश हम पढ़ते हैं, हमारी बुक के अंदर जो इंग्लिश है, उनमें जो यूसेज हैं, अभी जो यूज होते हैं, उस प्रकार के सेंटेंसेस को और सेंटेंसेस को हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इनकी प्रैक्टिसेस करें घर पर सेंटेंस की और बनाने की आपको जो है ज़रूरत है, और आप उनको पहचान करें। कल के डिटेल वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, और ये सेंटेंस जो हिंदी में बनता है उसका बनेगा लता इज राइटिंग लेटर, लता पत्र लिख रही है और लता पत्र नहीं लिख रही है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एक नहीं लिख रही है और एक लिख रही है। नहीं में नॉट और लिख रही है में कुछ भी नेगेटिव नहीं यूज होगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, कीप